हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ प्रेशर विद फोर्स एंड एरिया। वैसे तो हम जानते हैं मैथमेटिकली कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पर ये कैसे है देखेंगे मैथमेटिकली। तो इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। मैंने एग्जांपल ले रखा है, पहले केस में हम लोग ले लेते हैं कि एरिया फिक्स है, 10 मीटर स्क्वायर हम लोगों ने एरिया ले लिया है। पहले हम लोगों ने स्मॉल फोर्स लगाया है, स्मॉल फोर्स 20 न्यूटन, और फिर बाद में हम लगा रहे हैं बिग फोर्स 100 न्यूटन। तो दोनों के लिए हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या आती है वैल्यू। तो फर्स्ट केस के लिए आप देखेंगे P इक्वल टू F की वैल्यू है 20 न्यूटन और एरिया की वैल्यू है 10 मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 100 न्यूटन फोर्स की और एरिया के रखेंगे 10 मीटर स्क्वायर, 10 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो P की वैल्यू आई 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जब फोर्स स्मॉल है तो प्रेशर भी स्मॉल आया है, जब फोर्स बिग है तो प्रेशर भी बिग है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये साइन जो होता है प्रोपोर्शनल का साइन कहलाता है, प्रोपोर्शनल टू रीड होता है, ये मैथ्स में आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं सेकेंड केस, हम फोर्स को कांस्टेंट रख लेते हैं, लेट्स से फोर्स रख लेते हैं हम लोग 100 न्यूटन और एरिया हम फर्स्ट केस में ले लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले केस में हम लोग ले लेते हैं एरिया इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं दोनों केसेस के लिए क्या होता है प्रेशर। देखेंगे प्रेशर इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स अपॉन 10, दैट इज मीटर स्क्वायर, वैल्यू आई 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरे वाले केस के लिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन, एरिया की वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर। दूसरे वाले केस के लिए कैंसिल किया 5, तो प्रेशर की वैल्यू आई 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम समझेंगे कि ये क्या आया। जब एरिया बिग था दोनों के कंपैरिजन में, देखिए ये बिग एरिया है और ये स्मॉल एरिया है, है ना, ये वैल्यू 10 है ये 20 है, तो स्मॉल एरिया है, पर उसके लिए जो प्रेशर आया पी वो 10 न्यूटन आया, जबकि बिग वाले की कैलकुलेशन के लिए 5 न्यूटन आया। तो 10 जो है 5 से बड़ा हो गया, तो आप कंपेयर करेंगे जब एरिया स्मॉल है तो प्रेशर बिग आया है, और जब एरिया बिग है तो प्रेशर स्मॉल आया है। तो यानी इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। आप कहेंगे अगर एरिया बढ़ा दोगे फोर्स सेम रखने पर तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर एरिया को घटा दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन आपका कहलाता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखिए इन्वर्सली का अलग से कोई साइन नहीं होता, तो इसको हम लिखेंगे P प्रोपोर्शनल टू, और इन्वर्स में हम लोग उसी क्वांटिटी को इन्वर्स कर देंगे, तो A का इन्वर्स होगा 1/A। तो इस तरह से आपके दो रिलेशन निकल कर आए, प्रेशर जो है फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब नेल को
हम लोग शार्प पॉइंट की तरफ से जब हम प्रेस करते हैं या पेन को प्रेस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि इसका एरिया कम है. तो एरिया कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया. आई होप ये कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी का समझ में आया होगा. और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं. तो हर लॉजिकल क्वेश्चन में बस आपको यही देखना है कि एरिया बड़ा है कि छोटा है, और उस हिसाब से आपको इसमें आंसर देना है. अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम के हिसाब से हम आंसर लिखेंगे, जबकि अगर एरिया छोटा है तो प्रेशर बड़ा हो जाएगा. वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे. थैंक यू वेरी मच.